पूरा साल से हमने आरक्षण को कभी छुआ नहीं है, ना छूना चाहते हैं। ये डेस्परेट है, इसलिए मेरे वीडियो को भी उन्होंने एडिट कर गलत तरीके से लोगों के बीच में डालने का प्रयास। वो डेस्परेट हो गए, हार से डर गए हैं, इस तरह से डीपफेक वीडियो को वो प्रचारित कर रहे हैं। हम बहुत कॉन्क्रीटली अब की बार 400 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, हम 400 पार कर लेंगे। बड़ा जन समर्थन मोदी जी को प्राप्त है हावेरी पर और पूरे कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप कर देखिए, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें रखी हैं, मोदी जी ने इसको सरलता के साथ लोगों के सामने और जनता में जब ये बातें क्लिक कर रही हैं, तो कांग्रेस बड़ी चिंतित है और इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। सर, यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि संविधान को पूरा तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, ये लोग पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और देखिए, राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 10 साल से बहुमत है, हमने क्या किया संविधान का? हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया और जनता को, देश को मजबूत करने में किया। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल से बहुमत है, वो 400 पार के नारे से डरे हैं, इसलिए इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। सर, आपको लग रहा है आरक्षण का जो मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, जनता सब मानती है, जानती है, हम सालों से पहले भी रहे, एनडीए 1 में भी 6 साल रहे, अब 10 साल 16 साल से हमने आरक्षण को कभी छुआ नहीं है, ना छूना चाहते हैं। ये डेस्परेट है, इसलिए मेरे वीडियो को भी उन्होंने एडिट कर गलत तरीके से लोगों के बीच में डालने का प्रयास। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है साउथ में कि साउथ में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और उत्तर में हाफ हो जाएगी, आप क्या कहेंगे साउथ के 5 राज्य हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। पन्ना वाले मामले में लगातार आप लोग पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने आखिर उनको जो वो यहाँ से कैसे चले गए देश छोड़ के, क्या हो गया प्राजुल नहीं? कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है, कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीगा वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। आपने जिस तरीके से डीप फेक वीडियो का जो मामला है, इसमें क्या कहना है? देखिए, इनका डेस्परेशन बता रहा है, वो डेस्परेट हो गए, हार से डर गए हैं, इस तरह से डीप फेक वीडियो को वो प्रचारित कर रहे हैं। सर, जनता को क्या मैसेज देंगे एएनआई के माध्यम से कि आपकी बार 400 पार? जी बिल्कुल, हम बहुत कॉन्क्रीटली अब की बार 400 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, हम 400 पार कर लेंगे।